हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा धात्विक बंध के एमओटी सिद्धांत के बारे में, अर्थात तो बैंडिंग सिद्धांत के बारे में। मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि धात्विक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए थे। तीन सिद्धांत दिए गए थे, जिनमें एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत था, जिसको मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया था। एक आप लोगों का संयोजकता बंध सिद्धांत था, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, जिसको हमने अनुनाद सिद्धांत भी बोला था, उसको भी मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। अब ये धातु गंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए ये तीसरा जो सिद्धांत दिया गया था, उसका नाम है अनुकच्छक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको एमओटी थ्योरी भी बोलते हो। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इस थ्योरी को हम बैंड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब इसको बैंड थ्योरी हम क्यों बोलते हैं, वो मैं आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। और एक बात और बता देता हूं आप लोगों के लिए कि ये लेक्चर इस यूनिट का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है। मतलब इस लेक्चर के साथ ही आप लोगों को ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मैं आप लोगों के लिए पहले ही बता चुका हूं कि इस यूनिट के अंदर जो आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा वो दो दो बंधों से बनेगा। एक तो आप लोगों का आयनिक बंध से बनेगा और एक आप लोगों का धात्विक बंध से बनेगा। तो आप आयनिक बंध को अच्छी तरीके से पढ़ लेना और धात्विक बंध को, मेटेलिक बॉन्ड को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में जो हम लोगों से क्वेश्चन बनेगा वो आप लोगों का आयनिक बंध और धात्विक बंध का ही बनेगा। आप लोग आयनिक बंध को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, धातु बंध को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का इन्हीं दो बंधों से बनेगा और इसको आप लोग लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देख लेना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, लास्ट ईयर के आप लोग पेपर उठाकर देख लेना। सन 2015 से लेकर 2020 तक के जितने भी पेपर है लास्ट ईयर के, ठीक है ना, 2015 से 2019 तक के जितने भी लास्ट ईयर के पेपर है, वो सभी लास्ट ईयर के पेपर आप लोग देख लेना। आपको खुद को पता लग जाएगा कहां हम लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाएगा, आयनिक बंध से और धात्विक बंध से, ठीक है ना। दोनों को मिक्स करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप आयनिक बंध को पढ़ लेना और धात्विक बंध को पढ़ लेना। आयनिक बंध के हम लोगों के कितने लेक्चर बने हैं, 11 लेक्चर बने हैं, और धात्विक बंध के, मेटेलिक बॉन्ड के हम लोगों के कितने लेक्चर बने हैं, 2 लेक्चर बने। मतलब 10 लेक्चर तो हमारे आयनिक बंध के थे, फिर 11वां लेक्चर और 12वां लेक्चर ये किसका, धात्विक बंध का, क्योंकि धात्विक बंध आयनिक बंध के कंपेयर में छोटा टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, वो आप लोगों के लिए जो था वो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मैं मेरे लेक्चर की शुरुआत करता हूं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं धात्विक बंध की प्रकृति को एक्सप्लेन करने के लिए ये कौन सा सिद्धांत दिया गया था, तीसरा सिद्धांत दिया गया था, जिसका नाम है अनुकच्छक सिद्धांत या बैंड सिद्धांत। अब देखो, इसको अनुकच्छक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि अनुकच्छक कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो बंदी अनुकच्छक होते हैं और एक विपरीत बंदी अनुकच्छक होते हैं। बंदी अनुकच्छक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम किनको बोलते हैं कि जिनकी एनर्जी कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम किनको बोलते हैं जिनकी एनर्जी अधिक होती है। अरे भाई बिल्कुल सही बात तो है। आप लोगों के लिए जब मैंने एमओटी वाली यूनिट पढ़ाई थी तो एमओटी वाली यूनिट में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि जब परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, परमाणु कक्षक जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो अनुकच्छकों का निर्माण होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक तो आप लोगों की बंदी अनुकच्छक, जिसको इंग्लिश में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और एक आप लोगों की विपरीत बंदी अनुकच्छक, जिसको इंग्लिश में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जो आप लोगों की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और जो आप लोगों की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जितने आप लोगों के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही अनुकच्छकों का निर्माण होता है। जैसे कि परमाणु कक्षक दो ने भाग लिया तो दो अनुकच्छक बनेंगे, जिनमें एक तो बंदी अनुकच्छक बनेगी और एक विपरीत बंदी अनुकच्छक बनेगी। मतलब एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। अगर आप लोगों के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ले परमाणु कक्षकों ने भाग लिया है तो 4 ही आपकी अनुकच्छक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिनमें 2 तो आप लोगों की बॉन्डिंग होंगी और 2 आप लोगों की एंटी बॉन्डिंग होगी। अगर आप लोगों की 6 परमाणु कक्षकों ने भाग लिया है तो आपको पता है 6 आण्विक कक्षकों का निर्माण होगा, जिनमें 3 बॉन्डिंग होंगी और 3 आप लोगों की एंटी बॉन्डिंग होंगी। तो मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जिनमें जिसकी एनर्जी कम होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं और जिसकी एनर्जी अधिक होती है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले लिए तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिनमें 1 बॉन्डिंग होगी 1 एंटी बॉन्डिंग होगी। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले लिए तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिनमें आप लोगों के 2 बॉन्डिंग होंगी 2 एंटी बॉन्डिंग होंगी। अगर आप लोगों के
छह एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणविक कक्षा भाग ले रही है, तो छह ही आप लोगों की अनुकक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिनमें तीन आप लोगों की बॉन्डिंग होंगी और तीन आप लोगों की एंटी बॉन्डिंग होंगी। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटलों ने भाग ले लिया, मतलब इतनी सारी परमाणविक कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल ने भाग ले लिया, एन का मतलब बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटल ने भाग ले लिया, तो बहुत सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के इतने पास में आ जाती हैं कि वो देखने पर एक बैंड जैसी दिखाई देती हैं। बैंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं, वो देखने पर एक पट्टी जैसी दिखाई देती है। इसको मैं अभी डायग्राम के आधार पर आप लोगों के लिए समझा दूंगा। एक बार फिर समझना भैया, मैंने ये बोली है कि अगर आप लोगों की दो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगी तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, ठीक है ना। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगी तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। अगर छह एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रही है तो छह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिनमें तीन बॉन्डिंग होंगे, तीन एंटी बॉन्डिंग होंगी, ठीक है ना। लेकिन एन एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रही है, एन का मतलब बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रही है, तो कॉमन सी बात है, बहुत सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के इतने पास में आ जाती है कि वो एक तरीके से पट्टी सी बना लेते हैं, ठीक है ना। और इस पट्टी की वजह से ही ये जो पट्टी बनती है ना, इस पट्टी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को हम बैंड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि चालक अचालक और अर्धचालक को एक्सप्लेन करती है, अर्थात कंडक्टर नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करती है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, एक बार फिर से बता देता हूं भैया, अगर n एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगी तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। n का मतलब बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगी तो बहुत सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अर्थात अनुकक्षक एक दूसरे के इतने पास में आ जाती हैं कि देखने के ऊपर एक पट्टी जैसी दिखाई देती है, ठीक है ना। पट्टी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को हम बैंड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अभी एक डायग्राम बना देता हूं, एक डायग्राम के आधार पर अभी आप लोगों की यह स्टोरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। इस अनुकक्षक सिद्धांत को हम बैंड थ्योरी क्यों बोलते हैं या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम बैंड थ्योरी क्यों बोलते हैं, अभी डायग्राम के आधार पर और एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो डायग्राम बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे कि ये आप लोगों की एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये रही आप लोगों की, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये रही आप लोगों की, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं परमाणविक कक्षक, परमाणविक कक्षक इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी कौन हो गई आप लोगों की, परमाणविक कक्षक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। परमाणविक कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जब परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे या एक दूसरे के पास में आएंगे तो अनुकक्षकों का निर्माण करेंगे, जिनमें एक तो आप लोगों की कौन सी होगी, विपरीत बंदी अनुकक्षक, और एक आप लोगों की कौन सी होगी, बंदी अनुकक्षक। जिसकी एनर्जी कम होती है वो तो आप लोगों को पता कौन सी होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी अधिक होती है वो कौन सी होती है आप लोगों की, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ऐसे लिख देता हूं, दो परमाणविक कक्षकों का संयोजन, दो परमाणविक है, दो परमाणविक है, दो परमाणविक कक्षकों का, तो परमाणविक कक्षकों का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, दो परमाणविक कक्षकों का संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक काम करता हूं कि इस तरीका से आप लोगों के दो परमाणविक कक्षकों का संयोजन से दो अनुकक्षक बन गए, जिनमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक आप लोगों की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लेकिन अगर आप लोगों की चार परमाणविक कक्षक भाग ले रही है तो कॉमन सी बात है, चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर चार परमाणविक कक्षक भाग ले रही है तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिनमें दो तो आप लोगों की कौन सी होंगी, बॉन्डिंग होंगी, और दो आप लोगों की कौन सी होंगी, एंटी बॉन्डिंग होंगी, ठीक है ना। दो एंटी बॉन्डिंग होंगी, ठीक है ना। इनको तो हम क्या बोलेंगे, बीएमओ, और इसको हम क्या बोलेंगे, एबीएमओ बोलेंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों की एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, ये भी आप लोगों की एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, ठीक है ना। परमाणविक कक्षक आपस में आए तो अनुकक्षकों का निर्माण हुआ, चार एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिनमें दो तो आप लोगों की बॉन्डिंग होंगी, दो आप लोगों की एंटी बॉन्डिंग होंगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले इन दोनों डायग्रामों को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं अगला डायग्राम आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया सुनो, मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि जो आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कब होता है, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास में आती हैं या अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेती है उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए एमओटी की यूनिट सेकंड पढ़ाई थी, तब आप लोगों के लिए समझाया था। तो देखो यहां पर ये आप लोगों की एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगी तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, जिनमें दो तो आप लोगों की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, दो आप लोगों की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी। लिख दिया ना, दो परमाणविक कक्षकों का संयोजन। यहां पर क्या लिख देता हूं, चार परमाणविक कक्षकों का संयोजन, यहां पर लिख देता हूं चार
परमान भी है, चार परमाणवीय कक्षकों का संयोजन, चार परमाणवीय कक्षकों का संयोजन मतलब चार एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन। तो कॉमन सी बात है, चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिनमें दो आप लोगों की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी और दो आप लोगों की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी। पहले तो ये बात बता भैया, बात आप लोगों को समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना, कि जितनी आप लोगों की एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगी उतनी ही आप लोगों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। चलो ठीक है, अगर छह एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेती तो छह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जिनमें तीन आप लोगों की बॉन्डिंग होती है और तीन आप लोगों की कौन सी होती है एंटी बॉन्डिंग। चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटलों ने भाग ले लिया तो कॉमन सी बात है बहुत सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत सारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा ठीक है ना, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एक दूसरे के इतने पास में आ जाती है कि देखने पर एक पट्टी जैसी दिखाई देती है। इसीलिए इस सिद्धांत को हम किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं, बेंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो मैं उस डायग्राम को भी आप लोगों के लिए साइड में समझा देता हूं ठीक है ना, उस डायग्राम को भी मैं आप लोगों के लिए साइड में लिख देता हूं कि अगर आप लोगों के लिए बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटल आ गई तो बहुत सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा वो भी मैं आप लोगों के लिए साइड में बता देता हूं ठीक है ना। इधर देखो आप लोग बोर्ड पे, इसको मैं डाल देता हूं ठीक है ना, ये डायग्राम तो आ गया आप लोग समझ में। अब देखो बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटलों को शो करने के लिए मैंने स्मॉल एन लिख दिया, स्मॉल एन का मतलब बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटल है ठीक है ना, ये क्या कर रही है आपस में कॉम्बिनेशन। तो कॉमन सी बात है यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन होगा ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों का। एक काम करता हूं इस वाले डायग्राम को मिटा देता हूं ठीक है ना। तो सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के इतने पास में आ जाती हैं तो देखने पर एक पट्टी जैसी दिखाई देती है, एक पट्टी का निर्माण कर लेती है इस तरीका से ठीक है ना, इस तरीका से एक पट्टी का निर्माण कर देती हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पट्टी बोल दो या बैंड बोल दो, हिंदी में पट्टी बोलते हैं, इंग्लिश में बैंड बोलते हैं इसको ठीक है ना। आप तो बैंड से ध्यान में रखना, बैंड थ्योरी के नाम से ध्यान में रखना ठीक है ना। यहां पर लिख दो एन, एन परमाणु भी है, एन परमाणवीय कक्षकों का, एन परमाणवीय कक्षकों का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, एन परमाणवीय कक्षकों का संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, बैंड बोल रहे हैं, इसको हम बैंड या पट्टी बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बैंड या पट्टी बोल रहे हैं। चलो ठीक है, इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। इधर देखो भैया एक बार फिर से बता देता हूं कि आप लोगों की जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल दो भाग ले रही है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिनमें एक बॉन्डिंग होगी और एक एंटी बॉन्डिंग होगी। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रही है तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिनमें दो बॉन्डिंग होंगी, दो एंटी बॉन्डिंग होंगी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बताए थे। लेकिन बहुत सारी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगी तो बहुत सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर बहुत सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा तो ये सभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाती हैं, बहुत सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगी तो वो एक दूसरे के इतने पास में आ जाएंगी कि देखने पर वो एक बैंड जैसी दिखाई देती है, पट्टी जैसी दिखाई देती है ठीक है ना। इस बैंड के आधार पर हम चालक, अचालक और अर्धचालकों को अर्थात कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है ना। तो यहां पर दो बैंड बनेंगे आप लोगों के, एक तो आप लोगों का संयोजकता बैंड होगा और एक आप लोगों का चालकता बैंड होगा, मतलब एक तो आप लोगों का बैलेंसी बैंड होगा और एक आप लोगों का कंडक्टर बैंड होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर आप लोगों के लिए चालक, अचालक और अर्धचालक होंगे, उनको एक्सप्लेन कौन करेंगे, किसके आधार पर करेंगे, बैंड थ्योरी के आधार पर। तो बैंड थ्योरी के आधार पर यहां पर दो बैंड बनेंगे, एक तो आप लोगों का संयोजकता बैंड होगा और एक आप लोगों का चालकता बैंड होगा, मतलब एक तो आप लोगों का बैलेंसी बैंड होगा और एक आप लोगों का कंडक्टर बैंड होगा। संयोजकता बैंड की पहचान होती है कि संयोजकता बैंड इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, लेकिन जो चालकता बैंड होता है ना, कंडक्टर बैंड, वो कंप्लीट रूप से खाली होता है। एक बार फिर समझ लेना भैया बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये बात बिल्कुल अपने दिमाग पर फिक्स कर लेना। अभी मैं चालक, अचालक और अर्धचालक को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग एक चीज दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना कि जो संयोजकता बैंड होता है ना वो इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट रूप से भरा होता है, लेकिन जो आप लोगों का चालकता बैंड होता है, कंडक्टर बैंड होता है, वो कंप्लीट रूप से खाली होता है ठीक है ना। तो ये संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के आधार पर हम चालक, अचालक और अर्धचालकों को एक्सप्लेन करेंगे कि चालकों की क्या डेफिनेशन होगी, अचालकों की क्या डेफिनेशन होगी और अर्ध
मतलब चालकों की क्या डेफिनेशन होगी, मतलब कंडक्टर की क्या डेफिनेशन होगी, सेमी कंडक्टर की क्या डेफिनेशन होगी, या नॉन कंडक्टर की क्या डेफिनेशन होगी, उस चीज को हम लोगों को समझना है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। तो इसको तो मिटा देता हूं और हेडिंग डाल देता हूं, चालक अचालक एवं अर्धचालक। ठीक है ना, चालक अचालक एवं अर्धचालक, मतलब कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, उन तीनों को हम किसके बेस पर समझेंगे? बैंड थ्योरी के बेस पर। कि बैंड थ्योरी इन तीनों को कैसे एक्सप्लेन करेगी, चालक अचालक और अर्धचालक को। तो चलो ठीक है, मैं डायग्राम रिप्रेजेंट कर देता हूं तीनों के। ठीक है ना, तीनों की हेडिंग डाल देता हूं, तीनों के डायग्राम रिप्रेजेंट कर देता हूं, फिर मैं इन तीनों को समझा देता हूं कि बैंड थ्योरी इन तीनों को किस तरीका से एक्सप्लेन करती है। तो देख लो भैया, यहां पर हेडिंग डाल देता हूं भैया आप लोगों के लिए, चालक मतलब कंडक्टर, अचालक मतलब नॉन कंडक्टर, कॉमा अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर, अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, इन तीनों को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? बैंड थ्योरी। ठीक है ना, तो तीनों के डायग्राम रिप्रेजेंट कर देता हूं, चालकों को, अचालकों को और अर्धचालकों को, फिर इनको तीनों को एक साथ समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ध्यान से समझना इनको। मैंने क्या बात बताई आप लोगों के लिए कि बैंड आप लोगों के कितने बनेंगे? दो बैंड बनेंगे। ठीक है ना, जो बैंड आप लोगों का इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा उस बैंड को हम कौन सा बैंड बोलेंगे? संयोजकता बैंड। और जो बैंड आप लोगों का खाली होगा उसको हम क्या बोलेंगे? चालकता बैंड। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? संयोजकता बैंड। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड अर्थात बैलेंसी बैंड, संयोजकता बैंड अर्थात बैलेंसी बैंड। ठीक है ना, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं? चालकता बैंड, क्योंकि ये कंप्लीट रूप से खाली है, चालकता बैंड। ठीक है ना, जो बैंड आप लोगों का भरा हुआ है उसको संयोजकता बैंड बोलोगे, जो बैंड आप लोगों का खाली है उसको आप लोग क्या बोलोगे? चालकता बैंड बोलोगे। और ये इनमें क्या हो रहा है? अतिव्यापन, ओवरलैपिंग हो रही है। अतिव्यापन का मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पर आप लोगों का ये संयोजकता बैंड किससे जुड़ा हुआ है? चालकता बैंड से। ठीक है ना, किसके द्वारा? अतिव्यापन के द्वारा अर्थात ओवरलैपिंग के द्वारा, अतिव्यापन के द्वारा अर्थात ओवरलैपिंग के द्वारा। ठीक है ना, तो ये डायग्राम किसका बना लिया मैंने? चालकों का। ठीक है ना, और इसका एक एग्जांपल भी ले रखा है, जैसे कि धातु ले लो, मेटल होती है, सभी आप लोग पता है विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। चलो ठीक है, अब मैं किसका डायग्राम बना देता हूं? अचालकों का। तो देखो ये डायग्राम में किसका बना दिया मैंने आप लोगों के लिए? अचालकों का। ये डायग्राम होगा ये भैया आप लोगों का अचालकों का। ये आप लोगों से क्या बात बोली थी कि जो बैंड आप लोगों का इलेक्ट्रॉनों से भरा होगा उस बैंड को आप लोग क्या बोल रहे हो? संयोजकता बैंड। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? संयोजकता, संयोजकता बैंड। ठीक है ना, जो बैंड आप लोगों का खाली है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? चालकता बैंड अर्थात कंडक्टर बैंड, चालकता बैंड अर्थात कंडक्टर बैंड। और संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के जो बीच का डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को मैं क्या बोल रहा हूं? ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल, एनर्जी डिफरेंस, ऊर्जा अंतराल भी बोल सकता हूं या वर्जित क्षेत्र भी बोल सकता हूं, या वर्जित क्षेत्र अर्थात फोरबिडन जोन, वर्जित क्षेत्र अर्थात फोरबिडन जोन। और ये डायग्राम मैंने किसका बना लिया? अचालकों का, अचालकों, अचालक। ठीक है ना, अचालक। और इसके लिए मैंने एग्जांपल किसको ले लिया? हीरा को ले लिया, अर्थात तो डायमंड को ले लिया, क्योंकि आप लोग जानते हो हीरा या डायमंड विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, अर्थात तो नॉन कंडक्टर होता है। चलो ठीक है, ये डायग्राम मैं किसका बना देता हूं? सेमी कंडक्टर का बना देता हूं। ठीक है ना, ये लो भैया, तो ये आप लोगों का कौन हो गया? सेमी कंडक्टर हो गया। ठीक है ना, ये आप लोगों का कौन हो गया? सेमी कंडक्टर। ये वही आप लोगों का ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र भी बोल सकते हो, फोरबिडन जोन, वर्जित क्षेत्र, फोरबिडन जोन। ठीक है ना, इसको आप लोग क्या बोल रहे हो? इसको आप लोग क्या बोल रहे हो? संयोजकता बैंड। और इसको आप लोग क्या बोल रहे हो? चालकता बैंड। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? चालकता बैंड, चालकता बैंड। ये तो आप लोगों का कौन सा हो गया? संयोजकता बैंड, अर्थात जो बैंड आप लोगों का इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है उसको तो आप लोग क्या बोलते हो? संयोजकता बैंड। और जो बैंड आप लोगों का खाली है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? चालकता बैंड। और इस ये हो गया आप लोगों का अर्धचालक, अर्थात ये क्या हो गया आप लोगों का? सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने किसको ले लिया? सिलिकॉन को ले लिया, जर्मेनियम को ले लिया। ठीक है ना, आप सुनो भैया ध्यान से, अब इस पूरे डायग्रामों को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। इधर देखो भैया, आप सुनो मेरी बात ध्यान से,
आप लोग पूरा फोकस मेरी तरफ और बोर्ड की तरफ कर देना, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के लिए इन तीनों की डेफिनेशन दिमाग में ऐसी फिट कर दूंगा कि दोबारा कभी आप लोग इसको नहीं भूलोगे। तो सुनो भैया ध्यान से, इस बैंड सिद्धांत के आधार पर, इस बैंड थ्योरी के आधार पर हम डेफिनेशन अब किसके बारे में हम डेफिनेशन दे रहे हैं, किसके बारे में? चालक, अचालक और अर्धचालक, अर्थात कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो सुनो भैया ध्यान से, मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बनाई है कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां पर आप लोगों के कितने बैंड बन रहे हैं? दो बैंड बन रहे हैं। एक बैंड आप लोगों का कौन सा होगा? संयोजकता बैंड, बैलेंसी बैंड। और एक आप लोगों का कौन होगा? चालकता बैंड अर्थात कंडक्टर बैंड। ये संयोजकता बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, और जो चालकता बैंड होता है कंडक्टर बैंड होता है वो कंप्लीट रूप से आप लोगों का खाली होता है। मतलब संयोजकता बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंप्लीट रूप से भरा होता है, लेकिन चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कंप्लीट रूप से आप लोगों का खाली होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि चालकों के अंदर क्या होता है कि संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? जीरो। चालकों की बात कर रहा हूं, कंडक्टरों की बात कर रहा हूं। कंडक्टरों के अंदर या चालकों के अंदर संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है? जीरो। अर्थात संयोजकता बैंड किससे जुड़ा होता है? चालकता बैंड से जुड़ा होता है, ठीक है ना? किसके द्वारा? अतिव्यापन के द्वारा, ओवरलैपिंग के द्वारा। अरे अतिव्यापन, ओवरलैपिंग का मतलब यही तो होता है कि एक दूसरे से किसी चीज का जुड़ जाना, ठीक है ना? तो चालकों के अंदर संयोजकता बैंड और ये चालकता बैंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात इनमें जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? जीरो। और इसका ये असर पड़ता है कि संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें जाते रहते हैं? चालकता बैंड में। अगर संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जा रहा है तो ध्यान में रखना वो पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर से बता देता हूं, चालकों के अंदर संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के अंदर जो ऊर्जा डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? जीरो होता है। जिसकी वजह से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किसमें जाते रहते हैं? चालकता बैंड में। और अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में आसानी से जा रहे हैं तो ऐसे पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। कंडीशन यही होगी कि अगर संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जा रहा है तो वो पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पा रहा है तो ध्यान में रखना वो पदार्थ विद्युत के कुचालक या अचालक होते हैं, अर्थात वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? आपको तो बस एक ही चीज पे फोकस करना है कि अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जा रहा है तो कंडक्टिविटी शो होगी, लेकिन अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पा रहा है तो ध्यान में रखना कंडक्टिविटी शो नहीं होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर से सुनो भैया मेरी बात ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जा रहा है तो वो पदार्थ चालकता शो करते हैं, अर्थात कंडक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पा रहा है तो ऐसे पदार्थ कभी भी चालकता शो नहीं करते हैं, और वो क्या होते हैं? अचालक, अर्थात नॉन कंडक्टर होते हैं। तो चालकों के अंदर संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य का जो ऊर्जा डिफरेंस होता है वो क्या होता है? जीरो, अर्थात दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में जाते रहते हैं? चालकता बैंड में। और अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जा रहा है तो ऐसे पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तभी तो आप लोगों को पता है कि जितनी भी मेटल होती हैं वो सभी विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, अर्थात कंडक्टिविटी शो करती हैं। तो चालकों के अंदर मैंने एग्जांपल किसका ले लिया? धातुओं का, मेटल का, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि सभी मेटल विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, अर्थात सभी मेटल कंडक्टिविटी को शो करते हैं, अर्थात उनका चालकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किसमें संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें जाता रहता है? चालक बैंड में। इसलिए ऐसे पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो करते हैं। चलो ठीक है, अब बात करता हूं मैं अचालकों की, नॉन कंडक्टर की। तो देखो अचालकों के अंदर क्या होता है? अचालकों के अंदर जो संयोजकता बैंड और जो चालकता बैंड होता है ना, इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाता। देखो ये आप लोगों का संयोजकता बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आप लोगों का चालकता बैंड है, ये आप लोगों का चालकता बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। एक बार फिर देख लो, ये आप लोगों का संयोजकता बैंड है जो कि इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, ये आप लोगों का चालकता बैंड है,
आप लोगों का कंप्लीट रूप से खाली है। और ये संयोजकता बैंड और ये चालकता बैंड में ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाता है। और अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पा रहा है तो ध्यान रखना ऐसे पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्थात नॉन कंडक्टर होते हैं। और ऐसे पदार्थों को, ऐसे गुण को जो पदार्थ शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अचालक, अर्थात उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा, हीरा डायमंड। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो हीरा होता है, डायमंड होता है, वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करता। हीरे के अंदर करंट लगा कर देख लेना, उसमें करंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, अर्थात कंडक्टिविटी को शो नहीं करता। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई, अचालकों की। अब मैं बात करता हूं किसकी, अर्धचालकों की। तो सुनो, अर्धचालकों के अंदर क्या होता है, पहले डायग्राम देख लो, अर्धचालकों में क्या होता है कि संयोजकता बैंड और ये जो चालकता बैंड का जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, ये चालकों से तो क्या होता है ज्यादा, ये देखो डायग्राम बता देता हूं। देखो ये आपको कौन है, अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर है। इस अर्धचालक के अंदर जो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड है, इसके अंदर जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, वो चालकों से तो क्या होता है ज्यादा, लेकिन अचालकों के से क्या होता है, कम होता है। देखो अचालकों का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है ना, अचालकों का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन आप लोगों को पता है अर्धचालक का एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम है, ठीक है ना, थोड़ा कम है। इसका मतलब जो आप लोगों के अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड का जो ऊर्जा अंतराल होता है, वो चालकों को से तो क्या होता है ज्यादा, लेकिन अचालकों से क्या होता है, कम होता है। जिसकी वजह से क्या कंडीशन बनती है कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पर तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अचालकों की तरह, अर्थात संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाता है। लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर देते हो तो टेम्परेचर देने की वजह से ये संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, चालकता बैंड में, क्यों, क्योंकि ऊर्जा डिफरेंस क्या है, कम, और इतनी एनर्जी आपको होता है टेम्परेचर देने से इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है, जिसकी वजह से वो उछलकर संयोजकता बैंड से किस में चला जाता है, चालकता बैंड में। और अगर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चला गया तो आप लोगों को पता ऐसे पदार्थ विद्युत के क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो करेंगे। तो आगे ना अर्धचालक दोनों के बीच का हो गया, अर्थात जीरो केल्विन टेम्परेचर पर तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अचालकों की तरह, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, चालकता बैंड में, अर्थात ऐसे पदार्थ विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक। इसलिए जो अर्धचालक होते हैं वो चालकों की तरह व्यवहार करते हैं और अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। अचालकों की तरह व्यवहार तो कब करेंगे, जब आप लोगों ने टेम्परेचर जीरो ले रखा है, और चालकों की तरह व्यवहार कब करेंगे, जब आप लोगों को पता है, चालकों की तरह व्यवहार कब करेंगे, जब आप लोगों को पता आपने थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा दिया तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, चालकता बैंड में, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम, और कम एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो आराम से संयोजकता बैंड से उछल कर किस में चला जाता है, चालकता बैंड में। इसलिए ऐसे पदार्थ विद्युत के क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार तीनों को फिर बता देता हूं। भैया बैंड सिद्धांत के आधार पर हम चालक, अचालक और अर्धचालक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चालकों की डेफिनेशन वही कि चालकों के अंदर संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के अंदर जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है, जीरो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हमेशा संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में जाते रहते हैं, चालकता बैंड में। इसलिए ऐसे पदार्थ हमेशा विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्थात वो हमेशा कंडक्टिविटी शो करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल होगा मेटल, धातु, जितनी भी धातु है वो सभी विद्युत की क्या होती है, सुचालक, क्योंकि उनका संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किन में जाता रहता है, चालकता बैंड में, संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किन में जाता रहता है, चालकता बैंड में, ठीक है ना। बात जब मैं अचालकों की करता हूं तो अचालकों के अंदर क्या होता है, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाता। अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पा रहा है तो ऐसे पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, अर्थात वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। और इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ हीरा, डायमंड। चलो अर्धचालकों की बात करता हूं। तो अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो चालक और अचालकों के बीच की होती है, अर्थात जीरो केल्विन टेम्परेचर पर तो ये अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जीरो केल्विन टेम्परेचर ही नहीं दे रखा है, तो आपको पता संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में रहेगा, और अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पा रहा है तो अचालक होंगे। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने से ये संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन उछल का किस में चला जाएगा, चालकता बैंड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पता है कि एनर्जी डिफरेंस कम है, इतनी एनर्जी आपको पता है इलेक्ट्रॉन को माध्यम से मिल जाती है, आप टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और संयोजकता बैंड से किस में चला जाएगा, चालकता बैंड में।
जैसे ही वो संयोजकता वेंट से चालकता वेंट में चला जाएगा, वैसे ही आप लोगों को पदार्थ क्या शो करने लग जाएगा, चालकता अर्थात कंडक्टिविटी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो ऐसा बोल सकता हूं कि अर्ध चालकों की चालकता चालक और अचालकों की क्या होती है, बीच की होती है, ठीक है ना। जीरो केल्विन टेम्परेचर पर वो अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर वो चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब आपका अगला क्वेश्चन ये हुआ कि ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई, हमारे चालक की भी डेफिनेशन समझ में आ गई, अचालकों की भी डेफिनेशन समझ में आ गई और अर्ध चालकों की भी डेफिनेशन समझ में आ गई, लेकिन सर हम लोगों को एक कंफ्यूज ये है कि आप लोग आपने यहां पर भी चालक अचालक और अर्धचालक की डेफिनेशन बोली है और जब आपने आयनिक बॉन्ड को पढ़ाया तो वहां पर भी चालक अचालक और अर्धचालक की डेफिनेशन बोली थी, तो वहां पर भी आपने चालक अचालक अर्धचालक को एक्सप्लेन किया था, यहां पर भी बेंड सिद्धांत के आधार पर आपने चालक अचालक और अर्धचालक को एक्सप्लेन किया है। तो सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम किसको करें, हम वो आयनिक बंद वाले चालक अचालक अर्धचालक को करें या ये बेंड सिद्धांत वाले चालक अचालक और अर्धचालक को करें? तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं भैया, अगर वो इसको पूछेगा यहां से तो वो एक शब्द जरूर देगा आप लोगों के लिए, ये बेंड जरूर देगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से आ जाए कि बेंड सिद्धांत के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक को एक्सप्लेन कीजिए, तब तो भैया आप लोगों को पूरी चीज ये लिखनी है, ठीक है ना, जो आप समझाइए। और अगर उसने कुछ भी नहीं दे रखा है, वो ये बोल रहा है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए, तब आप उनको लिख देना एन प्रकार के, पी प्रकार के, जो मैंने आप लोगों को आयनिक बॉन्ड के अंदर करवाया है। एक बार फिर समझ लेना भैया, अगर यहां से वो चालक अचालक और अर्धचालक की डेफिनेशन पूछेगा तो एक बात बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना, इसको वो जरूर देगा कि बेंड सिद्धांत के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक को एक्सप्लेन कीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि भाई बेंड सिद्धांत के आधार पर या एमओटी सिद्धांत के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक को एक्सप्लेन कीजिए, तब तो आप लोग ये डेफिनेशन देना, ठीक है ना। लेकिन अगर उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कोई भी बेंड सिद्धांत नहीं पूछा, अगर उसने बेंड शब्द यूज नहीं कर रखा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि अर्धचालक को समझाइए, तो समझ जाना वो आयनिक बंद वाले आपको चालक अचालक और अर्धचालक करने हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अगर धात्विक बंध का चालक अचालक अर्धचालक पूछेगा तो समझ जाना वहां पर बैंड जरूर देगा, और बैंड देते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ठीक है ना, कि इनको बैंड सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन करना है। और अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी बैंड फेंड नहीं दे रखा है, तो जो आप लोगों के लिए आयनिक बंध के अंदर मैंने चालक अचालक और अर्धचालक को एक्सप्लेन किया है उनको लिखना है, जिनमें हमारी हेडिंग थी ना आयनिक ठोसों में विद्युतीय गुण, तो विद्युतीय गुण के आधार पर हमने आयनिक सॉलिड कितने प्रकार के पढ़े थे, तीन, चालक अचालक और अर्धचालक, ठीक है ना। तो अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कोई भी बैंड शब्द यूज नहीं करता है, तो आप लोगों को जो मैंने आयनिक बंध में समझाया ना चालक अचालक और अर्धचालक, उनको लिखना, ठीक है ना। और अगर वो ऐसे दे दे क्वेश्चन कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक को समझाइए, तब जाके आप इस पूरी लैंग्वेज को लिखना जो मैंने आप लोगों के लिए समझाई है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ये बात विशेषकर ध्यान में रखना, चलो ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगला टॉपिक मैं ये लेने वाला हूं आप लोगों के लिए कि चालक अचालक और अर्धचालकों की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब तीनों का हम चालकता पर ताप का क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। एक बार फिर सुनो भैया, जो अब अगला टॉपिक ले रहा हूं वो मैं अगला टॉपिक ये ले रहा हूं कि चालक अचालक एवं अर्धचालकों की चालकता पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चालकता घटेगी या बढ़ेगी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, इसको तो मैं पूरी को मिटा देता हूं और मैं चालक अचालक और अर्धचालकों की चालकता पर ताप के प्रभाव को समझा देता हूं, जिससे भी वो भी टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई ना, चलो ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए उसको भी बता देता हूं, ठीक है ना। तो इसमें टारगेट हेडिंग वही डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए, चालक अचालक एवं अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव। देखो भैया, अगली हेडिंग है आप लोगों की, चालक अचालक एवं अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव। अगली हेडिंग है आप लोगों की चालकता पर ताप का प्रभाव।
ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है ना। चालक अचालक एवं अर्ध चालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट, इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। इधर देखो भैया, ये टॉपिक भी आप लोगों का कंप्लीट रूप से समझने लायक है। टॉपिक हम लोगों का क्या है कि चालक अचालक एवं अर्ध चालकों की चालकता पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं किसके बारे में बता देता हूं, अचालकों के बारे में, नॉन कंडक्टर के बारे में। तो एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जो अचालक होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाओ या टेम्परेचर घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अर्थात अचालकों की चालकता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो अचालक होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं, जैसे मैं सूखी लकड़ी को ले लूं उसको कितना ही टेम्परेचर दे दो, मैं प्लास्टिक की बात करता हूं कितना ही टेम्परेचर दे दो, मैं रबड़ की बात करता हूं कितना ही टेम्परेचर दे दो, वो कभी भी चालकता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। अर्थात अचालकों की चालकता पर ताप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अर्थात जो नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टरों की कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे टेम्परेचर बढ़ा हुए तब भी वो नॉन कंडक्टर रहेंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ा हुए तब भी वो नॉन कंडक्टर रहेंगे, अर्थात वो चालकता प्रदर्शित नहीं करेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर से समझ रहे भैया, कि जो आप लोगों के अचालक होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं उनकी चालकता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ताप बढ़ा दो तब भी वो अचालक ही रहेंगे, ताप नहीं बढ़ाओगे तब भी वो अचालक ही रहेंगे। जैसे मैं रबड़ की बात करूं, रबड़ की या प्लास्टिक की बात करूं, आपको पता है टेम्परेचर मत दो तब भी आपको पता है उनमें करंट फ्लो नहीं होता है, और अगर आपने उनको गर्म कर दिया तब भी आपको पता है उनमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये निकला कि अचालकों की चालकता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ाओगे या टेम्परेचर घटाओगे तो उनकी चालकता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं अर्धचालकों की। तो आप लोगों को पता है कि अर्धचालकों की तो चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि जो अर्धचालक होते हैं जीरो केल्विन टेम्परेचर पर तो अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप लोगों के संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किसमें जाना चालू हो जाएंगे, चालकता बैंड में। और अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाना चालू हो गए, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ रही है, और जितना ज्यादा आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ही ज्यादा संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, चालकता बैंड में। इसका मतलब आप लोगों की चालकता बढ़ेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतने ही ज्यादा संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, चालकता बैंड में। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड के चालकता बैंड में जाएंगे उतनी ही ज्यादा आप लोगों की क्या होगी, चालकता होगी, अर्थात कंडक्टिविटी होगी। इसका मतलब अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है, साइड में कर दो। अब मैं बात करता हूं चालकों की कंडक्टरों की। तो ध्यान से समझना भैया, पहले हिंदी मीडियम वाले आप लोग समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं, कि बात करता हूं मैं चालकों की। तो एक बात मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। अब चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्यों घटती है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो एक बात बताओ यार, जो चालक है अर्थात जो कंडक्टर है, जो चालक है वो तो पहले से ही कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं भाई। जो पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं तो वो तो पहले से ही कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने फिर भी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से वहां पर क्या होगा, संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन जो चालकता बैंड में गए हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होगा और वो पहले से चालकता प्रदर्शित कर रहे हैं, और टेम्परेचर दे दिया आप लोगों ने तो टेम्परेचर देने से वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे तो उनमें कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, और अगर उनमें कंपन होगा तो आप लोगों को पता है कंपन होने से या कंपन ऊर्जा बढ़ने से आप लोगों को पता है उनका प्रतिरोध रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर उनका प्रतिरोध बढ़ेगा तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि प्रतिरोध और चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो आप लोगों का चालकता होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। जिसका जितना ज्यादा प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, उसकी उतनी ही कम चालकता अर्थात कंडक्टिविटी होती है। एक बार फिर देख लेना भैया, चालकता का रिलेशन प्रतिरोध से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कंडक्टिविटी का रिलेशन रेसिस्टेंस से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं,
चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि जैसे ही आप लोग चालकों की चालकता में ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे तो उनमें कंपन होगा, कंपन ऊर्जा बढ़ेगी, कंपन ऊर्जा से आपको पता प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध चालकता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग सुन लो, एक बार फिर से बता देता हूं, हिंदी मीडियम वाले एक बार फिर से समझना। देखो आप लोग टेम्परेचर चालकों की चालकता बढ़ाओगे, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर हम कौन सी ऊर्जा देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण से आप लोगों को पता कंपन ऊर्जा बढ़ेगी, कंपन ऊर्जा बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध चालकता की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। मतलब जो आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने को हम कौन सी ऊर्जा बोल रहे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है ना। ऊष्मीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बढ़ेगा, प्रतिकर्षण से कंपन ऊर्जा बढ़ेगी, कंपन से प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। इसलिए चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि आप लोगों को पता है दो बैंडों की बात हो रही है, नीचे वाला बैंड होगा वो कौन सा होगा, वैलेंसी बैंड, और ऊपर वाला बैंड होगा वो कौन होगा, कंडक्टर बैंड, ठीक है ना, कंडक्टर बैंड। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो कंडक्टर होते हैं ना वो तो पहले से कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने उनमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, थर्मल एनर्जी दे दी उनको, तो थर्मल एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन से वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी और वाइब्रेशनल एनर्जी से रेसिस्टेंस बढ़ेगा और रेसिस्टेंस कंडक्टिविटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कंडक्टरों की कंडक्टिविटी, कंडक्टरों का टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिग्रीज होती है, अर्थात घट जाती है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो 100 बातों की एक बात मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अचालकों की चालकता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्ध चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि वो तो पहले से ही कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, आप क्या टेम्परेचर देकर उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाओगे, उल्टा उनमें रिपल्शन कर रहे हो, रिपल्शन से आपको पता है कौन सी वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी से आपको पता है रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा और रेसिस्टेंस कंडक्टिविटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। हिंदी मीडियम वाले एक बार फिर समझ लेना, चालकों में आप लोग ऊष्मीय ऊर्जा से ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने से प्रतिकर्षण बढ़ेगा, प्रतिकर्षण से इलेक्ट्रॉन में कंपन बढ़ेगा, कंपन से आपको पता है प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध चालकता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यह टॉपिक भी आप लोगों का कंप्लीट होता है, ठीक है ना। बता दिया चालक अचालक एवं अर्ध चालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक बार फिर देख लेना, अचालकों की चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्ध चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, पूरा मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि इस तरीका से आप लोगों की ये यूनिट होती है भैया कंप्लीट। तो सुनो, इस मेटेलिक बॉन्ड से, इस धात्विक बंध से जो लास्ट ईयर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे इस यूनिट से, ठीक है ना, तो वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। जैसे मैं धात्विक बंध की मेटेलिक बॉन्ड की बात करता हूं और बैंड थ्योरी की बात कर लेता हूं, क्या इस बैंड थ्योरी से रिलेटेड लास्ट ईयर की एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे, तो एक दो क्वेश्चन है उनको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, बाकी के सारे क्वेश्चन 2015 से 2019 तक के आप लोग देख लेना। स्टडी मेटेरियल नाम के फोल्डर में लास्ट ईयर के पेपर डाले, आप लोग यूनिट को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद लास्ट के पूरे पेपर देख लेना, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों के लिए दो तीन क्वेश्चन बता देता हूं बैंड थ्योरी से रिलेटेड, कि बैंड थ्योरी से जो क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन किस तरीका से बने। एक क्वेश्चन तो फेमस है जिसको आप लोग भी जानते हो, कि भाई बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक को एक्सप्लेन कीजिए, परिभाषित कीजिए, तब आप लोग कर देना, ठीक है ना। और इनसे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं समझाकर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना, कि बैंड सिद्धांत से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बने, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करता हूं अब मैं आप लोगों को सामने कर लेता हूं। तो देखो भैया, आप लोग देख लो कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों से लास्ट ईयर के एग्जामों में पूछे, वो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। क्वेश्चन पूछा भैया आप लोगों से, नोट्सों के अंदर भी लिखा रखा मैंने, लिथियम धातु के, लिथियम मेटल के, लिथियम धातु के उदाहरण द्वारा, एग्जाम्पल द्वारा, लिथियम धातु के उदाहरण द्वारा, उदाहरण द्वारा बैंड सिद्धांत को समझाइए, बैंड सिद्धांत को समझाइए,
बैंड सिद्धांत को समझाइए। तो भैया इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों के लिए, बैंड सिद्धांत को समझाइए। यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अभी पूरे को एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो देखो आप लोगों को पता है लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s1 और 2p0, मतलब p में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0। तो आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का संयोजकता बैंड होता है, संयोजकता बैंड के अंदर क्या होता है, या तो वो कंप्लीट रूप से भरा होता है या वो क्या होता है, आधा भरा होता है। लेकिन जो आप लोगों का कंप्लीट रूप से खाली होता है वो बैंड कौन सा होता है, चालकता बैंड, जिसको कंडक्टर बैंड बोलते हैं। इनको मैं बैंड के आधार पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं 1s की बात कर लेता हूं, 1s ऑर्बिटल को मैं प्रदर्शित कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये कौन सी हो गया आप लोगों का 1s ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये कौन सी हो गई आप लोगों की 1s, ठीक है ना। 1s में आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कंप्लीट रूप से भरी हुए। ये कौन सी हो गई 1s बैंड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अचालक, अचालक बैंड, ठीक है ना, अचालक बैंड, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जस्ट और ले लेता हूं, एक बैंड और ले लेता हूं, मेरे पास जगह कम पड़ेगी, मैं इसको कम ही लिख रहा हूं। ये लो, ये आप लोगों का कौन सा हो गया, चालकता बैंड, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया आप लोगों का, संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड। ये आप लोगों का कौन सा हो गया, संयोजकता बैंड, 2s बैंड भी बोल सकते हो, ठीक है ना, 2s बैंड, क्योंकि 2s ऑर्बिटल का है। तो ये लिख दिया आप लोगों ने यहां पर 2s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन है आप लोगों का, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास जगह कम है, मैं इनको इस तरीके से लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर इसको मैं इससे जोड़ देता हूं, ठीक है ना, इससे जोड़ दिया मैंने, और ये हो गया भैया आप लोगों का 2p बैंड, ठीक है ना। ये कौन हो गया, 2p बैंड, जो कि आप लोगों का कंप्लीट रूप से खाली है, जिसको मैं रिक्त बैंड बोल रहा हूं, रिक्त बैंड। और इस रिक्त बैंड को मैं कौन सा बैंड बोल रहा हूं, चालकता बैंड, कंडक्टर बैंड, चालकता बैंड अर्थात कंडक्टर बैंड। चलो ठीक है, और ये हो गया भैया आप लोगों की अतिव्यापन पट्टी, अतिव्यापन पट्टी या अतिव्यापन बैंड, ठीक है ना। अतिव्यापन पट्टी हो गई या अतिव्यापन आप लोगों का बैंड हो गया, ठीक है ना। अब मैं इस पूरे को आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। एक इसको लिख दो, ये आप लोगों का कौन हो गया, ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल अर्थात एनर्जी डिफरेंस, या वर्जित क्षेत्र भी बोल सकते हो, वर्जित क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोरबिडन जोन, ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में पूरे के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं आप लोगों से। इधर देखो भैया, ये क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट ईयर की एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं कि बैंड सिद्धांत से रिलेटेड ये क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या लिखना है। क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, लिथियम धातु के उदाहरण द्वारा बैंड सिद्धांत को समझाइए, क्योंकि लिथियम मेटल होती है, मेटल होती है, तो इसको हम बैंड सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। तो आप लोग जानते हो लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2 2s1 2p0 हो गए ना। इसका 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, अर्थात ये कंप्लीट रूप से भरा हुआ है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसका मतलब ये खाली है। आपको पता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसका मतलब वो कंप्लीट रूप से फिल हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, इसका मतलब वो आधा भरा हुआ है, और ये p के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात ये कंप्लीट रूप से खाली है। तो आप लोगों को पता है कि जो कंप्लीट रूप से खाली है उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, जो आप लोगों का कंप्लीट रूप से खाली है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिक्त बैंड, जिसको हम चालकता बैंड, कंडक्टर बैंड बोल सकते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मैंने आप लोगों के लिए 1s ऑर्बिटल लिख दी, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसलिए इसको कंप्लीट रूप से भर दिया। ये मैंने आप लोगों के लिए 2s लिख दी, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो मैंने इसको आधा भर दिया। और ये आप लोगों की कौन सी है, 2p, ये बिल्कुल आप लोगों की खाली पड़ी हुई है, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, चालकता बैंड, कंडक्टर बैंड, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दी कि जिस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, या जो बैंड आप लोगों की कंप्लीट रूप से भरी हुई है, या आधी भरी हुई है, आधी खाली है, उसको हम बोलेंगे संयोजकता बैंड, संयोजी बैंड, ठीक है ना। अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाएगा तो वो पदार्थ विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे, अर्थात कंडक्टिविटी को शो करेंगे। एक बार फिर से समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मतलब जो बैंड आप लोगों का कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, या आप लोगों का आधा भरा हुआ आधा खाली है, उसको हम बोलेंगे संयोजकता बैंड अर्थात वैलेंसी बैंड। और जो बैंड आप लोगों का कंप्लीट रूप से खाली अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, वो रिक्त बैंड है, उसी को हम क्या बोले, चालकता बैंड अर्थात कंडक्टर बैंड। और अगर संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में चला गया तो वो पदार्थ विद्युत के क्या होंगे, सुचालक। इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो 1s बैंड आप लोगों का कंप्लीट रूप से भरा हुआ है, तो ये कौन हो गया आप लोगों का, अचालक हो गया, ठीक है ना, अचालक हो गया ये, इसको कौन हो गया, अचालक। लेकिन 2s के अंदर आप लोगों को पता आधा भरा हुआ है, आधा आप लोगों का खाली है,
2s में आपको पता कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इसका मतलब आधा भरा हुआ आधा खाली है। तो 2s और 2p के अंदर क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। ये आप लोगों की 2s ऑर्बिटल होती है और ये 2p ऑर्बिटल होती है, ये ओवरलैपिंग के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाती है, अर्थात इनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर 2s बैंड का या 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है, 2p के अंदर। और अगर 2s का इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर चला गया तो आप लोगों को पता है वो पदार्थ विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। या ऐसे बोल सकता हूं इस संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, चालकता बैंड में। और संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन अगर चालकता बैंड में चला गया तो ऐसे पदार्थ विद्युत के क्या होंगे, सुचालक। क्योंकि आप लोगों को पता है यहां पर एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम या जीरो है, ठीक है ना, बहुत ही कम बोल सकता हूं, बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से किसमें चला जाएगा, चालकता बैंड में। और अगर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चला गया तो ऐसे पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक, ठीक है ना। इसलिए जो लिथियम धातु होती है, लिथियम मेटल होती है, वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक, अर्थात वो कंडक्टिविटी को शो करती है। मैंने आप लोगों के सामने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आगे नहीं मेरे बात समझ में, एक बार फिर से बता देता हूं, ये आप लोगों की 1s ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो, इसलिए इसको कंप्लीट रूप से भर दिया। ये आप लोगों की 2s ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इसलिए मैं इसको मैंने आधा भरा है और आधा खाली किया, ये आधा भर दिया आधा खाली कर दिया। और ये आप लोगों का जो 2s और 2p ऑर्बिटल है, ये कंप्लीट रूप से खाली, क्योंकि आपको पता है इसमें जीरो इलेक्ट्रॉन है, जीरो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको रिक्त बैंड या क्या बोल रहा हूं मैं, चालकता बैंड। और देखो सुनो, 1s जो आप लोगों का बैंड है या 1s जो आप लोगों की ऑर्बिटल है वो कंप्लीट रूप से भरी हुई है, इसलिए उसको मैं अचालक बोल रहा हूं। लेकिन जो आप लोगों की 2s जो बैंड है, ठीक है ना, 2s ऑर्बिटल है, तो 2s ऑर्बिटल आधी भरी हुई है आधी खाली है, इसलिए इसको मैं संयोजकता बैंड अर्थात वैलेंसी बैंड बोल रहा हूं। और जो ऑर्बिटल आप लोगों की या जो बैंड आप लोगों का कंप्लीट रूप से खाली है उसको हम क्या बोल रहे हैं, चालकता बैंड, कंडक्टर बैंड, ठीक है ना। तो यहां से 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं, 2p के अंदर, या ऐसे बोल सकता हूं इस संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं, चालकता बैंड में। और संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाने की वजह से ही लिथियम जो धातु होती है वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, अर्थात लिथियम मेटल विद्युत के प्रति क्या करती है, कंडक्टिविटी को शो करती है। अगर उसमें करंट फ्लो करोगे तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ये क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट ईयर की एग्जाम में पूछ रखा था, ठीक है ना। तो किस तरीका से जवाब देना है मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया, बाकी की सारी चीजें मैंने नोट्स में बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए लिख रखी है। तो क्लास को लेने के बाद एक बार नोट्स पढ़ लेना, आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूं, इसका जो सबसे मेन और सबसे फेमस क्वेश्चन कौन सा होता है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक अचालक एवं अर्धचालक को एक्सप्लेन कीजिए। तब तो आपको बता जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वो सारी चीजें लिख देना, ठीक है ना। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी आप लोगों को लिख देना, ठीक है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भाई लिथियम धातु के उदाहरण द्वारा बैंड सिद्धांत को समझाइए, तो ये मैंने आप लोगों के सामने लिखवा समझा दिया, बाकी की सारी चीजें मैंने नोट्सों में लिख रखी है, आप लोग नोट्सों पर एक बार से पढ़ लेना, दिमाग में बिल्कुल उतर जाएगी, ठीक है ना। इसके दो क्वेश्चन और है, उन दो क्वेश्चनों को और समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो भी लास्ट ईयर की एग्जामों में पूछ रखे हैं, तो उनको भी समझा देता हूं, ठीक है ना। उसके साथ ये यूनिट आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। चलो ठीक है, उसको भी बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है भैया, इसको मिटा देता हूं। और दो क्वेश्चन और है, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूं। देखो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहां पर, बेरिलियम की चालकता की व्याख्या बैंड सिद्धांत के आधार पर कीजिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बेरिलियम बी की चालकता, बी की चालकता की व्याख्या बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर, कीजिए, बैंड सिद्धांत के आधार पर कीजिए, ठीक है ना। बी की चालकता की व्याख्या बैंड सिद्धांत के आधार पर कीजिए, ठीक है। अब मैं इसका आप लोगों के लिए आंसर दे रहा हूं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, ठीक है ना, इसका भी आंसर दूंगा और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। बेरिलियम के बाद फिर वो मैग्नीशियम पूछ रहा है, मैग्नीशियम की चालकता, धातु शब्द और जोड़ देना, धातु बी धातु की चालकता, और यहां पर लिख देना मैग्नीशियम धातु की चालकता, बी धातु की चालकता, और यहां पर लिख देना आप लोगों बेरिलियम धातु की चालकता, चालकता की व्याख्या बैंड सिद्धांत का आधार कीजिए, यहां पर लिख दो एमजी धातु की चालकता,
की व्याख्या बैंड सिद्धांत के आधार पर कीजिए। ठीक है ना, अभी मैं आप लोगों के लिए इन दोनों को समझा देता हूं। ठीक है ना, दोनों को समझा देता हूं, बेरिलियम की चालकता को और मैग्नीशियम की चालकता को। इधर देखो भैया, इन दोनों क्वेश्चन को और आप लोगों के लिए समझा देता हूं। लिथियम धातु की चालकता को बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाइए, मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। अब डिस्कशन करेंगे बेरिलियम धातु की चालकता को बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाना है और मैग्नीशियम धातु की चालकता को बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाना है। पूरी तरीका से समझ लेना, आप ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। देखो आप लोगों को पता है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, चार होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, चार। इसका मतलब क्या लिखते हो, 1s2, यहां पर क्या लिखोगे, 1s2, 2s2 और 2p0। क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p0। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बेरिलियम की बात करता हूं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, चार। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने, चार इलेक्ट्रॉन बनने। क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p0। ठीक है ना, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इनके अगर आप लोग बनाओगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, अचालक बैंड। इसको हम क्या बोलेंगे, अचालक बैंड। चलो ठीक है, और आप लोगों को पता है कि इस 2s बैंड के अंदर या 2s ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये बैंड आप लोगों का कंप्लीट रूप से भरा हुआ है। तो कंप्लीट रूप से भरा होने की वजह से इसको मैं क्या बोलूंगा, संयोजकता बैंड अर्थात वैलेंसी बैंड बोलूंगा। और ये आप लोगों को पता है कंप्लीट रूप से आप लोगों का खाली है। तो कंप्लीट रूप से अगर आप लोगों का खाली है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आप लोगों के लिए रिक्त बैंड, या मैं इसको क्या बोलूंगा, चालकता बैंड। ठीक है ना, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, कि ये तो आप लोगों का कौन सा होगा, अचालक बैंड हो गया। ये आप लोगों का संयोजकता बैंड हो गया, मतलब बैलेंसी बैंड। और ये आप लोगों का कौन सा हो गया, ये आप लोगों का रिक्त बैंड या क्या हो गया, चालकता बैंड, जिसको कंडक्टर बैंड बोल रहे हैं। तो इस 2s और 2p ऑर्बिटल में या इस संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से 2s बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, 2p बैंड में। या ऐसा बोल सकता हूं 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, 2p ऑर्बिटल में। या ऐसा बोल सकता हूं इस संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, चालकता बैंड में। और इस जैसे संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाएंगे, ये मैग्नीशियम धातु विद्युत की क्या हो जाएगी, सुचालक हो जाएगी। इसीलिए जो मैग्नीशियम मेटल होती है, मैग्नीशियम धातु होती है, वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक। अगर इनके आप लोग डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना लेना। देखो मैं इसको यहां पर डायग्राम बना देते हैं और समझा लेता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, यहां पर मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बनाकर इसको समझा देता हूं। देखो भैया, डायग्राम बनाना चाहो तो बना लेना। ये आप लोगों की कौन सी हो गई, मैं इसको यहां पर शो कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये तो कौन सी हो गई, आप लोगों की 1s हो गई, 1s ऑर्बिटल हो गई। ठीक है ना, इसको हम क्या बोले हैं, अचालक बैंड, नॉन कंडक्टर बैंड, अचालक बैंड। ठीक है ना, ये आप लोगों की कौन हो गई, ये आप लोगों की कौन सी हो गई, आप लोगों की 2s। ठीक है ना, ये कौन सी ऑर्बिटल हो गई, 2s, जिसको आप लोग क्या बोले हो, संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड अर्थात बैलेंसी बैंड, जो कि कंप्लीट रूप से भरा हुआ है। और यहां पर आप लोगों ने किसको लिख दिया, यहां पर आप लोगों ने लिख दिया किसको, यहां पर लिख दिया आप लोगों ने 2p ऑर्बिटल को। ठीक है ना, और ये कौन सा हो गया आप लोगों का, चालकता बैंड, चालकता बैंड, या इसको रिक्त बैंड भी बोल सकता हूं, रिक्त बैंड अर्थात ये खाली है आप लोगों का, खाली होने की वजह से इसको रिक्त बैंड बोलूंगा। और ये दोनों के अंदर ऊर्जा डिफरेंस इतना कम होता है कि आपस में ही क्या कर लेते हैं, अतिव्यापन अर्थात ओवरलैपिंग कर लेते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या यहां पर ये जो आप लोगों की 2s ऑर्बिटल होगी और ये जो 2p ऑर्बिटल होगी, अर्थात जो आप लोगों का संयोजकता बैंड और चालकता बैंड है, इनके अंदर जो ऊर्जा डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, चालकता बैंड में। और अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में चला गया, ठीक है ना, तो वो पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसीलिए जो आप लोगों की मैग्नीशियम धातु होती है, वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक, अर्थात मैग्नीशियम कंडक्टिविटी शो करती है। मैग्नीशियम मेटल में करंट फ्लो करोगे तो करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, अर्थात कंडक्टिविटी शो करती है। मेरी बात आप लोग समझ आ गई, तो इस तरीके से कर देना। ये आपका 1s है, कंप्लीट रूप से भरा हुआ है, ये आप लोगों का 2s है, ये भी कंप्लीट रूप से भरा हुआ है, और ये 2p आप लोगों का खाली है। तो ये तो आप लोगों का अचालक बैंड हो गया, ठीक है ना, अचालक बैंड। क्योंकि अचालक बैंड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन अगले वाले में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता अगले वाले में तो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बात समझ में आ गई ना। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए संयोजकता बैंड होगा और ये आप लोगों को चालकता बैंड हो गया। इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होने की वजह से ये आपस में ओवरलैपिंग के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, चालकता बैंड में। और अगर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में चले गए तो वो मेटल होगी, वो विद्युत की क्या हो जाएगी, सुचालक।
पे। यहाँ पर बात किसकी हो रही है आप लोगों की, बेरिलियम मेटल की होती है, ठीक है ना। ये केस किस पर होगा, मैग्नीशियम मेटल पर, ठीक है ना, दोनों का सेम केस होगा। इसलिए दोनों धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक। जैसे मैं इसी में मैग्नीशियम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप लोगों को पता, 12 है। इसी में मैग्नीशियम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैग्नीशियम का 12 होता है तो क्या लिखते हो, 1s2 2s2, यहाँ पर क्या होगा 2p6, 3s2 और 3p0, 3s2 3p0। तो देखो ये तो आप लोगों को कौन हो गए, अचालक बैंड। ये तो आप लोगों को कौन हो गए, अचालक बैंड, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को कौन हो गए, अचालक बैंड। ये आप लोगों का कौन सा हो गया, संयोजकता बैंड। ये आप लोगों का कौन सा हो गया, संयोजकता बैंड, ठीक है ना। और ये आप लोगों को हो गया भैया चालकता बैंड। ये आप लोगों का कौन सा हो गया, चालकता बैंड। आप सुना मेरी बात ध्यान से, क्या देखो आप लोगों को पता है ये अचालक बैंड हो गए, ठीक है ना। आपको पता है ये आप लोगों का संयोजकता बैंड हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कंप्लीट रूप से आप लोगों की खाली है, उसको हम क्या बोले, चालकता बैंड, या इसको मैं रिक्त बैंड भी बोल सकता हूं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिक्त बैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये आप लोगों के लिए पहले ही मैंने आप लोगों के लिए बात बता दी कि जो संयोजकता बैंड है, ठीक है ना, जो संयोजकता बैंड है, वैलेंसी बैंड है, या तो वो कंप्लीट रूप से भरी होगी या फिर वो खाली होगी। मतलब या तो जो आप लोगों का संयोजकता बैंड है ना, या तो इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट रूप से भरी होगी, ठीक है ना, या आपको पता है वो आधी भरी होगी, या तो कंप्लीट रूप से भरी होगी इलेक्ट्रॉनों से, या इलेक्ट्रॉनों से आधी भरी होगी, खाली नहीं होगी। क्योंकि अगर ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से खाली हो गई तो फिर वो संयोजकता बैंड नहीं हो सकता, फिर वो आप लोगों को चालकता बैंड होगा। तो संयोजकता बैंड या तो आधा भरा होता है या कंप्लीट रूप से भरा होता है, लेकिन जो चालकता बैंड होता है वो कंप्लीट रूप से खाली होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त बैंड, वैकेंट बैंड बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त बैंड, ठीक है। तो ये तो अचालक बैंड हो गए, ये इसको मैं क्या बोल रहा हूं, संयोजकता बैंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और ये आप लोगों का कौन सा हो गया, चालकता बैंड। तो इन दोनों में ऊर्जा डिफरेंस इस तरीके से कर सकते हो, इनमें ऊर्जा डिफरेंस बहुत कम होगा। जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, इनमें तो सब आ गई आप लोगों की, 1s आ गई इसमें आप लोगों की, 2s आ गई इसमें आप लोगों की, 2p आ गई, ठीक है ना, और इसके अंदर आप लोगों को कौन आ गया, 3s आ गया, इसमें कौन आ गया, 3s आ गया, और इसमें आप लोगों को कौन आ गया, 3p आ गया। तो देखो यहाँ पर देख लो, जो आप लोगों के ये तो अचालक बैंड हो गए, ये तीनों तो आप लोगों के अचालक बैंड हो गए, ये आप लोगों का जो 3s बैंड है ये आप लोगों का कौन सा हो गया, संयोजकता बैंड, कंप्लीट रूप से भरा हुआ है, और जो कंप्लीट रूप से आप लोगों का खाली है ये आप लोगों का कौन सा हो गया, चालकता बैंड, रिक्त बैंड हो गया। इन दोनों बैंडों में, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में ऊर्जा डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से ये आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं, जिसकी वजह से संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में चला जाता है, और संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाने की वजह से ये मैग्नीशियम धातु भी विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो बेरिलियम धातु पर भी यही केस लगेगा और मैग्नीशियम धातु पर भी यही केस लगेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बेरिलियम का है या मैग्नीशियम का है, आराम से कर देना, दोनों का सेम केस होगा, ठीक है ना। दोनों ही धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। तो देखो बेरिलियम का भी आपको समझा दिया और मैग्नीशियम का भी आप लोगों को समझा दिया, ठीक है ना, दोनों का सेम केस रहेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि दोनों ही बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों ही क्षारीय मृदा धातु होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है, जो कि वर्ग नंबर 2 में आती है। वर्ग नंबर 1 में तो लिथियम आ जाती है आप लोगों की, क्षार धातु बोलते हो जिनको, और वर्ग नंबर 2 में आप लोगों की क्षारीय मृदा धातु जिनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हो, उनमें मैग्नीशियम भी आ गई आप लोगों की, बेरिलियम भी आ गई। कैसा जवाब देना आप लोगों के सामने, बाकी की सारी चीजें मैंने नोट्सों के अंदर लिखवा रखी है, तो नोट्सों को एक बार पढ़ लेना, दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों के ये हो गए, लिथियम का बता दिया, बेरिलियम का बता दिया, मैग्नीशियम का बता दिया, बैंड सिद्धांत के आधार पर कैसे एक्सप्लेन करोगे पूरा आप लोगों के लिए समझा दिया, बाकी की सारी चीजें मैंने नोट्सों में लिखवा रखी है, आप लोग आराम से पढ़ लेना, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बता दिया, जिसको वो सबसे ज्यादा पूछता है कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को परिभाषित कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो आप लोग आराम से कर देना, क्योंकि आप लोग पता है ये भी टॉपिक मैंने नोट्सों में बहुत बढ़िया तरीका से लिखवा रखा है, और बहुत बढ़िया तरीका से आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। एग्जाम में जिस एंगल से क्वेश्चन बने उसी एंगल से आप लोग कर देना, बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, ठीक है। तो सुनो आप लोग क्या करो, क्लास ले लो बढ़िया तरीका से, क्लास लेने के बाद एक बार नोट्सों को पढ़ लेना, फिर सिस्टमेटिक तरीका से पूरे नोट्स कॉपी फियर कॉपी के अंदर बना के, और भैया लास्ट ईयर के पूरे पेपर निकाल देना, पूरे पेपर को देख लेना।